जगत के मूल गुरु श्री कृष्ण हैं। विश्व में चार मूल जगत गुरु हुए, जगत गुरु श्री शंकराचार्य, जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य, जगत गुरु श्री निम्बार्काचार्य एवं जगत गुरु श्री माधवाचार्य। इसके बाद सदियों तक कोई जगत गुरु नहीं बन सका, लेकिन काशी विद्वत परिषद के सभी विद्वानों ने मिलकर काशी में 500 मूर्धन्य शास्त्रज्ञ और वेद ज्ञाताओं की सभा बुलाई। श्री काशी विद्वत परिषद 200 वर्ष प्राचीन संस्था, देश के किसी कोने में कोई विद्वान हो उसको तब तक विद्वान नहीं माना जाता जब तक काशी में उसके वैदुष्य की, उसके विद्या की, उसके शास्त्र ज्ञान की परीक्षा नहीं होती। ऐसा एक भी शास्त्र नहीं था जिसका सबसे प्रकांड विद्वान इस सभा का सदस्य न हो। तय हुआ कि जगतगुरु उसी को बनाएंगे जो इन सभी विद्वानों को शास्त्रार्थ में हराएगा। 14 जनवरी 1957 का दिन, प्रकांड विद्वानों की सभा काशी विद्वत परिषद ने खूब जांच परख करने के बाद 34 साल के एक युवा विद्वान को पांचवे मूल जगत गुरु की उपाधि दी। वो थे जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज। काशी विद्वत परिषद ने श्री कृपालु जी महाराज को जगत गुरुतम पद से विभूषित किया, साथ ही इन्हें भक्ति योग रसावतार बताया। उनको न केवल जगत गुरु की उपाधि दी गई बल्कि उनको तो यहाँ तक कह दिया गया कि ये जगत गुरुतम है। जगत गुरुओं में भी उत्तम ऐसा सम्मान मैं समझता हूं कि इतिहास में काशी में केवल महाराज श्री कृपालु जी को प्राप्त हुआ। जगत गुरुत्तम होकर श्री कृपालु जी महाराज ने घर घर श्री राधा कृष्ण की माधुर्य भाव युक्त अनन्य निष्काम भक्ति के प्रचार का बीड़ा उठाया। चित्रकूट सम्मेलन हो या कानपुर, काशी सभा या अन्य कोई विद्वत सभा, हर जगह कृपालु जी महाराज के असीम ज्ञान ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। आचार्य श्री के प्रवचन से आम जनता को वेद वेदांत के सिद्धांत सरलता से समझ आ जाते हैं, लेकिन इसके पीछे आचार्य श्री कृपालु जी महाराज के समझाने का निराला ढंग है। अपने प्रवचनों में शास्त्रीय प्रमाणों के उदाहरण देते और तुरंत अध्याय समेत श्लोक संख्या भी बता देते, जिससे सुनने वाले को किसी तरह की शंका ना हो। वेद शास्त्र ही नहीं बल्कि अन्य धर्म ग्रंथों एवं कुरान और बाइबल आदि से भी श्री कृपालु जी महाराज ने खूब उदाहरण अपने प्रवचनों में दिए हैं। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम सर्वस्य प्रभुमीशानम सर्वस्य शरणम बृहत्। जो भगवान को सरेंडर करता है, साधन बल छोड़ देता है,
उस पर भगवान की कृपा होती है और वो माया से उत्तीर्ण होता है। श्वेताश्चतुरोपनिषद 3:17 भावग्राही मनीडाख्यम भावाभाव करम शिवम। श्वेताश्चतुरोपनिषद 5:14 जो भाव युक्त होकर भक्ति करता है श्री कृष्ण की, वो माया का अभाव कर देता है, माया से उत्तीर्ण हो जाता है और भगवान का आनंद प्राप्त कर लेता है। भक्ति गम्यम परम तत्वम योग शिखोपनिषद 2:22 वो परम तत्व भगवत तत्व भक्ति से ही प्राप्त है और कोई मार्ग वहां तक जाता ही नहीं है, सब ब्रह्मलोक तक पहुंचा के लौट आते हैं, कर्म ज्ञान योग सब। कृपालु जी महाराज ने भक्ति प्राधान्य तत्व ज्ञान को जनता के लिए सहज उपलब्ध तो कराया, लेकिन जहां ढोंग दिखा, पाखंड दिखा, अनाचार दिखा, वहां निर्भयता पूर्वक खंडन किया। कृपालु जी महाराज ने साधकों से केवल क्या मिलेगा की बात नहीं की, बल्कि ये भी बताया कि कैसे मिलेगा। इसके लिए आचार्य श्री का सीधा सरल सटीक उपाय है रूप ध्यान। दुनिया के अनेकों धर्माचार्यों ने ध्यान, मेडिटेशन या जप का रास्ता बताया, लेकिन ये रास्ता इतना विशाल और मन इतना चंचल है कि बिना कोई एक डोर थामे भगवत रस नहीं मिलेगा। इसीलिए कृपालु जी महाराज ने पहली बार इसे रूप ध्यान कहकर स्पष्ट किया। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि रूप ध्यान ही साधना है, रूप ध्यान ही उपासना है, मन का लगाना ही भक्ति है और सब शारीरिक वर्क है, वो भगवान के यहां नोट नहीं होता। तुम जिस भाव से भी भगवान की उपासना करो, मन को लगाओ, बस रो कर पुकारना होगा रूप ध्यान करके। ये वाक्य स्वर्ण अक्षरों में लिख लीजिए, चाहे आज मान लीजिए और चाहे 84 लाख की चक्की पीसने के बाद करोड़ों जन्म बाद मानिए, मानना पड़ेगा। राधे नाम का जैसा प्रचार श्री महाराज जी ने किया है, वैसा प्रचार उनसे पूर्व किसी ने नहीं किया। राधे राधे नाम को विश्वव्यापी बनाकर संसार को ब्रजरस से सराबोर करने वाले आचार्य श्री ने बताया। राधे नाम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वशक्तिमान भगवान अवतारी श्री कृष्ण भी यही राधे 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 रसना से बोलते हैं, मन से बोलते हैं, और जब सोने लगते हैं श्री कृष्ण तो उनके रोम रोम से निकलता है राधे राधे राधे। वो राधे नाम आप लोगों के सामने है। और यह भी स्मरण कीजिए कि बार बार शास्त्रों वेदों ने कहा है, नाम नामकार बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता। भगवान ने अपनी सारी शक्ति सहित स्वयं को नाम में रख दिया है, किस्सा कहानी और भावना नहीं, फैक्ट में। कृपालु जी महाराज ने भक्ति के इस रास्ते तक आने की भी
पूरी व्यवस्था बनाई। जगत गुरु कृपालु भक्ति योग तत्व दर्शन। कृपालु जी महाराज से पहले भी चार जगत गुरुओं ने वेद वेदांत और शास्त्रों पर भाष्य लिखे। साहित्य वो भी था, लेकिन उसे क्या गांव देहात का कोई अपट गृहस्थ समझ सका या याद भी रख सका? कृपालु जी महाराज ने साहित्य रचा और उस भाषा में रचा जो सहज सरल है। आचार्य श्री द्वारा हिंदी, ब्रज भाषा आदि मिश्रित भाषाओं में रचा साहित्य आज भी जन सामान्य को भक्ति और प्रेम भाव की तरफ बरबस ही मोड़ देता है। ना कहीं ज्ञान का दंभ, ना कहीं बुद्धि का दिखावा। आचार्य श्री कृपालु जी के रचे साहित्य में केवल भक्ति रस भावधारा बह रही है। दोहों में ऐसी सरल भाषा से वेद वेदांत समझा दिए कि केवल चाहने भर से शास्त्रज्ञ हुआ जा सकता है। कृपालु जी महाराज की लिखी और भाव भक्ति के लिए बेहद जरूरी रचना है प्रेम रस मदिरा। इसी तरह आचार्य श्री कृपालु जी महाराज ने धर्म ग्रंथों को और ज्यादा आसान कर दिया है अपनी रचना प्रेम रस सिद्धांत में। इसमें आचार्य श्री ने धर्म ग्रंथों के विरोधाभासी सिद्धांतों को बेहद सरल भाषा में समझा दिया है। कोई शंका रह ही नहीं गई अब। जहां तक कवित्व शक्ति का सवाल है, उनको बिल्कुल तुलसीदास सूरदास की श्रेणी में रखा जा सकता है। हाँ, उनकी एक कविता किशोरी जी के प्रति है, सरस किशोरी बैस की थोरी रतिरस भोरी कीजे कृपा की कोर। बहुत लंबी कविता है, सबको अभी सुनाना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वो सब ऐसी कविता है कि इसको पढ़ने के साथ ही आंखों में। आध्यात्मिक कल्याण के लिए दुनिया को कृपालु जी महाराज ने कई धरोहरें दी, जहां जाकर जनमानस को ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव हो। प्रतापगढ़ के एक छोटे से गांव में बना भक्ति मंदिर, वृंदावन धाम का अद्वितीय प्रेम मंदिर। प्राचीन भारतीय शिल्प का पुनर्जागरण भक्ति योग रसावतार माने जाने वाले कृपालु जी महाराज की वृंदावन धाम को अप्रतिम भेंट है। श्री बरसाना धाम में कीर्ति मंदिर, रंगीली महल के परिसर में बना वो धाम जहां राधा रानी का नित्य निवास माना जाता है। मनगढ़ का भक्ति भवन,
मंदिर में बना हुआ प्रेम भवन। इन्हीं धरोहरों में एक अनमोल विरासत है, बरसाने का रंगीली महल। यहां राधा नाम की वो धूम है कि हर आने वाला अपने आप ही राधे राधे नाम संकीर्तन में डूब जाता है। पालू जी महाराज का जीवन ही उनका संदेश था। अपने जीवन दर्शन से ही आचार्य ने साधकों को शिक्षा दी। स्वयं भी आश्रम में झाड़ू लगाते और सत्संगियों से भी यही उम्मीद रखते। किसी आश्रम की कहीं कोई इमारत बन रही हो, मजदूरों के साथ लग के ईंटें उठाने लगते। कभी नहीं कहा जाओ करो, बल्कि हमेशा सिखाया आओ करें। धर्मार्थ चिकित्सालय में रोगियों से मिलना और उनकी सेवा करना आचार्य श्री का नियम था। जिन रोगियों का इलाज आश्रम के अस्पताल में नहीं हो पाता, उन्हें अपने खर्च पर किसी प्राइवेट अस्पताल भिजवा देते। जगत गुरु कृपालु परिषद एक अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल संस्था। इस संस्था की स्थापना कृपालु जी महाराज ने ही सन 2002 अप्रैल में की थी। हर तरह से जीव मात्र की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है जगत गुरु कृपालु परिषद। देखा हूं कृपालु जी महाराज ने जो कर दिखाया अपने वैष्णव समाज के, सनातन हिंदू धर्म के लिए और साधु समाज के लिए जो किया, ये तो जुगों जुगों तक याद रखने वाला चीज है। जगत गुरु कृपालु चिकित्सालय भक्ति धाम मनगढ़ में। जगत गुरु कृपालु चिकित्सालय रंगीली महल बरसाना में। और फिर वृंदावन में भी जगत गुरु कृपालु चिकित्सालय। कोई भी मरीज जो हमारे अस्पताल में आता है, उसे हमारे अस्पताल की हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है, जिसमें सबसे पहले उसकी डॉक्टरी कंसल्टेशन है। जब मरीज की क्या बीमारी है वो सब पता करने के बाद डॉक्टर लिखते हैं कि उन्हें कौन सी इन्वेस्टिगेशन, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ECG, एकोकार्डियोग्राम, EEG, जिसकी भी आवश्यकता है वो सब इन्वेस्टिगेशन लिखते हैं। या कोई कंसल्टेशन किसी और डिपार्टमेंट में, इसमें हमारे यहाँ डेंटल, ऑर्थोपेडिक, आई डिपार्टमेंट, फिजियोथेरेपी, वो सब भी इंक्लूडेड है। और इसके अलावा एलोपैथी के साथ साथ हमारे यहाँ होम्योपैथी और नेचुरोपैथी भी है। इसके अलावा हमारे अस्पताल में साल भर में 3-4 आई कैंप लगते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं। पहले मेरे आँख से बिल्कुल धुंधला दिखता था,
आज एकदम रोशनी एकदम साफ आ गई है और यहाँ के बच्चे लोग इतनी सेवा किए हैं, मैं उन लोगों का बता नहीं सकती। इतनी निःशुल्क सेवा हो रही है, महाराज जी का बखान तो मनुष्य क्या कर सकता है। इतनी जगह उनकी सेवा हो रही है, इतनी भगवान का नाम का राधे रानी का नाम का इतना प्रचार किए हैं उनका, हम लोग साधारण आदमी क्या उनकी प्रशंसा कर सकते हैं। वो तो महान भगवान ही इस रूप में उतर के आए हैं, सबको नहीं तो क्या पता क्या हम लोगों का क्या हाल होता। हर मरीज जो इस अस्पताल में प्रवेश करता है उसे अस्पताल में सब सुविधाओं के लिए एक पैसा भी नहीं लिया जाता। शुरू से लेकर अंत तक जो भी सर्विसेज उसके लिए अवेलेबल है उसे ना कोई डोनेशन की मांग की जाती है, ना कोई पैसा, एक पैसा भी नहीं लिया जाता। दवाई हवाई सब फ्री मिलती है, चेकअप फ्री, अल्ट्रासाउंड फ्री, और तुम्हारा जो एक्सरे होते हैं वो सब फ्री, खून जांच फ्री, और आँखों का भी फ्री, सब काम फ्री, आँखों का भी ऑपरेशन कराया था हमने। शिक्षा के क्षेत्र में बालिकाओं के लिए प्राइमरी से लेकर महाविद्यालय तक अति आधुनिक शिक्षा उपलब्ध है, और वो भी पूरी तरह से निःशुल्क। We provide 100% free education from LKG to postgraduate. Not just education, but we also provide for free both summer and winter uniforms, school supplies, and basic necessities such as umbrellas, winter jackets, blankets. We even provide bicycles for students who live far from the school and cannot afford to commute by public transportation. All three of our schools have facilities comparable to metropolitan schools, some of which include digital classrooms, large library, computer lab, and well-equipped science labs. परम स्नेहमय व्यक्तित्व, ना तो कोई आचार्य श्री के लिए पराया था और ना ही कृपालु जी महाराज किसी के लिए कठिन थे। जिससे मिले उसे अपना बना लिया, मिलने वालों से ऐसे मन से बात करते कि देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि कृपालु जी महाराज और उस व्यक्ति की भेंट पहली बार हुई है। गले लगाने से पहले कुछ नहीं देखते, ना जाति, ना धर्म, ना संप्रदाय, और ना ही कोई ऊंच नीच। कृपालु जी महाराज के सामने जो भी आया एक समान देखा गया। दिन रात चलने वाले महाप्रसाद में कभी खुद ही आचार्य श्री रसोई में पहुंच गए। पूरे भाव और प्रसन्न मन से प्रसाद पाने वालों के बीच रोटियां बांटने लगते थे। कौन किस जाति का है, जब भूख शांत करने से पहले
अन्न नहीं पूछता तो इंसान ही क्यों पूछे। आचार्य श्री हमेशा श्रद्धालुओं को यही समझाते। कृपा, करुणा और कल्याण, यही जगत गुरु का जीवन था। आंखी ठीक है? महाराज जी बहुत मध्यम दिखात। अच्छा, ज्यादा बाहर दिन चला सड़क खत्म नहीं। महाराज जी बैठे दर्शन खातिर आगे था। नहीं कोनो चीज चाहिए तो बतावा। अरे चाहिए तो बहुत कुछ। का चाहिए बतावा? जो इच्छा हो यार। धोती कुर्ता कुछ चाहिए? धोती कुर्ता चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा। लो 4,000 करीब है, समार के ले जा, समार के रखिया। बिना अपने सुख स्वास्थ्य और समय की परवाह किए सिर्फ एक ही चिंता, जीव मात्र को ईश्वरीय लाभ कैसे हो। राधे नाम का श्वास से जप किया कीजिए। जब श्वास को खींचो तो रा, जब छोड़ो तो धे। शब्द नहीं बोलना, श्वास से खींचते समय रा फिर धे, कम से कम बोलो और खाली टाइम में राधे नाम का जप करो। ये दो बात हमारी गांठ बांध लो और 10-20 दिन महीने भर अभ्यास कर लो, बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा इससे और तमाम झगड़े कम हो जाएंगे संसार के। अरे करके देख लो, कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि हाँ भाई ये वेद शास्त्र के मंत्रों का अर्थ करना है। अभ्यास करके देख लो कितना फायदा होता है। पढ़ने सुनने और समझने को इतना कुछ लिखा कि आज भी दुनिया भर के साधक कृपालु जी महाराज के दिखाए रास्ते पर शरणागत हैं। आचार्य श्री 90 साल की उम्र में भी दिन रात इसी फिक्र में रहते कि मानव मात्र को उसके लक्ष्य का बोध कैसे कराया जाए। 15 नवंबर 2013 को महाप्रयाण के दिन कृपालु जी महाराज ने दूसरों के सुख के लिए ही अपना सब कुछ न्योछावर करके सबसे विदा ली। किंतु प्रवचनों की अद्भुत और अकल्पनीय श्रृंखलाओं के रूप में आज भी आचार्य श्री अपने चाहने वालों के नजदीक हैं जैसे शरीर रहते होते। कृपालु जी महाराज का मानना था कि संप्रदाय तो ईर्ष्या और द्वेष फैलाते हैं, इसलिए ना कभी किसी को शिष्य बनाया और ना चेलों का कोई संप्रदाय ही चलाया। आचार्य के महाप्रयाण के बाद भी ना कोई गद्दीधारी। तेरा तुझको अर्पण। युवा सबसे बड़ा इतिहास ये बात का साक्षी है, इनका कोई संप्रदाय नहीं है। वो लोग संप्रदाय बल्लभाचार्य का, कोई अपना द्वैत का, कोई अद्वैत का, कोई विशिष्टा द्वैत का, कोई द्वैताद्वैत का, ये कोई नहीं। ये तो एक निष्पक्ष निरपेक्ष निष्काम निष्प्रिय केवल पवित्र प्रेम तत्व का प्रचार प्रकाश करने वाले जगत गुरु सबसे पहले हैं। दुनिया के कल्याण के लिए अनेकों धाम और मंदिर बनवाए, चाहने भर से जो परिवार को दिया जा सकता था, किसी गद्दीधारी को दिया जा सकता था, वो संपूर्ण विश्व को दे गए। यही जगत गुरुत्तम लीला है।
जेकेपी अपने गठन के बाद से ही समाज में परोपकार के कार्य दिन रात कर रही है। अंतरराष्ट्रीय संस्था के तौर पर पहचान इसी सेवा भाव की वजह से बनी। लेकिन कृपालू जी महाराज के जाने के बाद भी जेकेपी नहीं रुकी। सेवा के रास्ते पर दिन दूनी रात चौगुनी गति से आगे बढ़ती रही, चाहे शिक्षा हो या स्वास्थ्य, सेवा हो या निर्माण। जेकेपी के सभी कार्य आज कृपालू जी महाराज की तीन सुपुत्रियां आगे बढ़ा रही हैं। बड़ी सुपुत्री सुश्री डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी जेकेपी भक्तिधाम मनगढ़ की अध्यक्षा हैं। मंजली सुपुत्री डॉक्टर श्यामा त्रिपाठी जेकेपी श्यामा श्याम धाम वृंदावन की अध्यक्षा हैं। और छोटी सुपुत्री डॉक्टर कृष्णा त्रिपाठी जेकेपी रंगीली महल बरसाना की अध्यक्षा हैं। महाराज जी का जो आध्यात्मिक क्षेत्र, भक्ति क्षेत्र और दान क्षेत्र अद्वितीय रहा है अपने आप में। महाराज सिंह ने ब्रजवासियों की, गरीबों की अत्यंत सेवा की है, जो कि आज उनके अनुयायी इसी तरह से सेवा कर रहे हैं। वो तो आज भी है और कड़कड़ में वो कभी नहीं हटने वाले, और वो तो ईश्वर के पूर्ण अंश थे। आज हम इसका वैभव देख रहे हैं। कृपालू जी महाराज अब शरीर रूप में मौजूद नहीं है। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि अब शरीर की सीमा भी नहीं रही, कोई बंधन नहीं। इनके अनगिनत प्रवचन, संकीर्तन और साहित्य मुक्त भाव से प्रेम और भक्ति लुटा रहे हैं। पूरी दुनिया में राधा नाम गूंज रहा है। कृपालू जी महाराज से तत्वज्ञान सीखे प्रचारक दुनिया को नया रास्ता दिखा रहे हैं। जेकेपी जरूरतमंदों की हर जरूरत में उनके साथ खड़ी है। घने अंधेरे में भी रोशनी की उम्मीद बनकर कृपालू जी महाराज अकेले ऐसे जगतगुरु हुए जिनका शिष्य एक भी नहीं, लेकिन चाहने मानने वाले अनगिनत। भक्ति योग रसावतार जगतगुरु श्री कृपालू जी महाराज अतुल्य सूरज की उस पहली किरण की तरह जागृत हैं, जिसके आने से पहले ही अज्ञानता और अभाव का सारा अंधकार मिट जाता है और बाकी रह जाता है केवल एक गुण, एक भाव, राधे राधे, जिसके प्रेम रस में डूबकर बहुतों ने संसार धारा पार की और अनगिनत और पार जाएंगे। श्री जगत गुरु तम में मिल जाने, उनसे एकाकार हो जाने के लिए, उनसे दिव्य प्रेम पाने के लिए।
जगत गुरुत्तम श्री कृपालु जी महाराज की। राम।